اللهم صل وسلم وبارك على رسول الكريم سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبد رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المؤمنين سيدنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأهل بيته ذرياته صحابه أجمعين أوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسول الكريم رحمة للعالمين شفيع المؤمنين سيدنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وآل بيته ذرية أصحابه أجمعين أوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم محترم حضرات گرامی قدر بزرگان دین معزز سامعین کرام پردہ نشین ماں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بابرکت مجلس میں اپنے ذکر کے لیے اکٹھا فرمایا یہ ذکر حقیقت میں یہ ذکر کی مجلس حقیقت میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے باغ کیا ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ذکر کی مجلسیں کامیاب ہے وہ شخص جسے ذکر کی مجالس میں بیٹھنے کا موقع مل جائے وہ یہی مجلس ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम जन्नत के बाग पर गुजरो तो खूब चरो। सहाबा कहते हैं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने फरमाया ये चरना जैसे कोई जानवर जब किसी सब्ज़ा बाग में जाता है, हरियाली में जाता है, खेतों में जाता है, अब वो दौड़ के अपना उसमें से खाने की कोशिश करता है, अगर उसका मालिक पकड़ के उसको खींचता है तो वो हटता नहीं, यहाँ तक कि वो डंडे मारता है उसके बदन पर और खींचने की कोशिश करता है, उसके बावजूद वो अपना सर नहीं उठाता। तो ऐसा ही शगफ और इन्हिमाम, इश्को मोहब्बत हमें भी अल्लाह के जिक्र से करनी है। ये दुनिया की चमक धमक, यहां की रानाइयां, यहां का शोर गोंगा कहीं हमको अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, फरमाते हैं एक शायर ने लिखा है कि तुम अल्लाह को याद करके तो देखो, रूह को वजद आ जाएगा। मेरे मोहतरम, ये ऐसी मजलिस है जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो हमारे दिल में कल्बी सुकून मिलता है, इसलिए कि आदमी के जिंदगी के लिए उसकी गिजा खाना है, हम खा कर जिंदा रहते हैं, मगर रूही गिजा यही अल्लाह का जिक्र है। हमें फुर्सत मिली, तन्हाई में चल रहे हैं, रास्ता लंबा है, तो हम अपने घर के बारे में ना सोचें बल्कि हम अल्लाह के जिक्र में लग जाएं, जैसा कि मुर्शिद ने हमें और आपको दिया है। अब वो हमारा जिक्र हमारे लिए वो एक किस्म का ज़ादे राह बनेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह का जिक्र करते हुए बाजार की तरफ निकल जाओ, खेतों की तरफ निकल जाओ, कहीं भी जाना है, अगर हम किसी और के साथ होंगे तो हमारी जुबान पर सिर्फ एक दूसरे की शिकायत होगी, बल्कि अगर हम अल्लाह की याद में लग के जाएंगे तो वो चीज़ हमारे लिए हमारे आमाल नामे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ज्यादती करेगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये मजलिस है, आज हमें इन मजलिसों की कदर नहीं, हम बाजारों में जाते हैं उसके लिए हम लोगों को वक्त है, आज हम दरवाजे पे बैठकर चंद लोगों में गुफ्तगू करते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, उसके लिए हमें वक्त है, अगर हमें वक्त नहीं उसके लिए वक्त नहीं जिसने हमें जिंदगी अता फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो उन्हें कोई अफसोस और मलाल नहीं होगा, कि इसलिए कि अल्लाह ने उनको जन्नत दे दी। मलाल और अफसोस उस वक्त की होगी जिस वक्त में उसने अल्लाह का जिक्र नहीं किया। तो हमें और आपको अल्लाह की इस जिक्र को, अपने कल्ब को इस जिक्र से तरोताजा करनी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हाफिज सैयद कलीम साहब रहमतुल्लाह अलैह
जो जो शख्स उनको करीब से देखा होगा, आज भी मेरे मोहतरम, जब वो कभी कैसे हो मजलिस में हुआ करते, लोगों से गुफ्तगू करते, लोगों से बातें करते, मगर जब बात खत्म होती तो उसमें अल्लाह का जिक्र शुरू हो जाता। वो जबान देखने से ये मालूम होता कि वो बात से फरागत के बाद अल्लाह का जिक्र जारी हो जाता। और ऐसे ही जिक्र करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत पसंद फरमाता है। मेरे मोहतरम, ये जिक्र की मजलिसें मामूली नहीं। यहां हम जिक्र करके जाएं, अल्लाह उसके बदले में बेहतरीन बदला अता करता है अपने मोमिन बंदे के लिए। इसलिए कि जब अल्लाह का नेक बंदा अपनी जुबान से अगर एक बार अल्लाह का नाम लेता है, या कोई आयत पढ़ता है, या कोई सूरत पढ़ता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत एक हर्फ के बदले 10 नेकी अता करते हैं। और जानते हैं, एक नेकी एक उहद पहाड़ के बराबर, उहद पहाड़ के बराबर होगा, सिर्फ एक नेकी। देखिए अल्लाह अपने बंदों के लिए कितना बेहतरीन इंतजाम किया मेरे मोहतरम। मगर हमें हमारी मशगोलियत ने ऐसा वो कर दिया कि उसकी हमें फुर्सत नहीं, वरना हम काम करते, अपने अपने काम में लगे रहते, बिजनेस में लगे रहते और अपने खेतियों में लगे रहते, मगर अल्लाह का जिक्र जबान से नहीं भूलते। मगर आज हमें उसकी फुर्सत नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे चचा रहमतुल्ला अलैह जब वो रात को आते, रात को कुरान खत्म करते मेरे मोहतरम, और सुबह सुबह की नमाज पढ़कर सो जाते, ये उनका जिंदगी का मामूल था। एक दिन नहीं, पूरे जिंदगी में उन्होंने ऐसा कहा। एक मर्तबा मेरी वालिदा, उन्होंने, चूंकि वो बड़ी थी, अपने हाफिज साहब रहमतुल्ला अलैह से ये कहा कि भाई आप कुछ कुरान पढ़े हैं तो दे दीजिए ताकि मैं फातिहा करा दूं। तो जानते हैं हाफिज सैयद कलीम साहब रहमतुल्ला अलैह ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तू अपने मन में जितना सुमार कर ले उतना खत्म है मेरे पास। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, यानी उसका कोई हिसाब नहीं था। ये बात मैंने अपने कानों से सुना मेरे मोहतरम। वो थे अल्लाह वाले, अल्लाह का जिक्र हर वक्त अपने जुबान पर हुआ करता था। आप हजरात भी उस जिक्र को अपनी जिंदगी के मामूल में बना लें। जब हम तन्हाई में रहेंगे तो अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे, अगर कोई बात होगी वो उतना ही बात करेंगे ताकि हमारे आमाल का नुकसान ना हो। अगर अमाल का नुकसान हो जाएगा तो वो अमल हमारा सब कुछ बेकार हो जाएगा मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। इसलिए हम और आप अपने मुर्शिद की पैरवी करें। मेरे मोहतरम जानते हैं उनके बारे में, वो जुबान, जब वो उनका आखिरी वक्त आया, मैं सिर्फ साथ था उनके, मैं मक्तब में अपने मस्जिद से पढ़ा कर जब हजरत आया और जब तबीयत खराब थी मेरे मोहतरम, तो वो मंजर ही अजब था मेरे मोहतरम बुजुर्गों। मैंने वहां हजरत के यहाँ फोन करवाया, जानते हैं वहां से क्या हुक्म हुआ? कहा कि तयम्मुम करा दीजिए और तयम्मुम कराते रहिए मेरे मोहतरम, ताकि जब मौत भी आए तो पाकी की हालत में आए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मुर्शिद ने वहां उस अपने मजलिस में ऐलान किया कि आज एक अजान गाछी, क्या नाम है, हक्कानी अजुमन का एक पिलर आज गिर गया। मेरे मोहतरम, इतना मर्तबा था हाफिज सैयद कलीम साहब का। किस वजह से? इसलिए कि उन्होंने अल्लाह का जिक्र किया।
अल्लाह को याद किया और दूसरों को भी हुक्म दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम भी उस हुक्म पर चलें। तो मैंने कुरान करीम की एक छोटी सी आयत तिलावत फरमाई शुरू में, खुतबे के शुरू में। उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरू। अल्लाह फरमाता है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। जब अल्लाह का बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह फरमा रहा है कि मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। ये कुरान में है, मैं अपने से नहीं बयान कर रहा। मेरे मोहतरम, और आगे बयान फरमाया, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, और तुम मेरा शुक्रिया अदा करो, ना फरमानी ना करना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस आयत मुबारका में अल्लाह की बेपनाह मोहब्बत और अल्लाह के जिक्र की बे इंतहा फजीलत मालूम होती है। इसलिए कि अल्लाह ये फरमा रहा है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। कितनी बड़ी फजीलत है, आज हम नहीं कर पाते। मेरे मोहतरम आगे बयान फरमा रहे हैं, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी दौलत है और अल्लाह को याद करना जिंदगी का खुलासा है। अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह को याद करना, ये तमाम इबादत का खुलासा और लुब्बे लुबाब है। जैसा कि मुर्शिद आपको ये हुक्म देता है कि तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो। 5 टाइम इंस आदमी नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ने के बाद वजीफे में लग जाता है। मेरे मोहतरम, ये भी जिक्र ही है। अगर हम और आप अल्लाह का जिक्र कर लेंगे, अल्लाह बेहतरीन नेमतों से नवाजेगा। ये नमाज, ये रोजा, हज, जकात, ये इबादत की गर्ज़ो गायत है कि हम अल्लाह को याद करें। उससे बड़ी दौलत कोई नहीं हो सकती। मेरे मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से किस सहाबा के राम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन ने सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी इबादत अल्लाह तबारक व तआला के हाँ सबसे ज्यादा मकबूल है। वो सहाबा की जमात है, वो हर वक्त अपने लिए बेहतरीन जिक्र की तलाश में रहा करते थे। उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन कौन सी इबादत है? जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जब मौत आए तो उस वक्त तुम्हारी जबान पर अल्लाह का जिक्र हो। मेरे मोहतरम, इसलिए कि जब रूह जाएगी, फरिश्ते उसको लेकर जाएंगे तो अपने रब से कहेंगे कि मैंने इसका रूह उस वक्त निकाला जब ये अल्लाह का जिक्र कर रहा था, अल्लाह को याद कर रहा था। तो हम भी अपनी जबान को हर वक्त अपने रब के याद से ताजा करते रहें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दूसरी जगह कुरान के अंदर फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी दौलत है। आज हमें फुर्सत नहीं, हम अल्लाह का जिक्र नहीं कर पाते।
हम अल्लाह के जिक्र को बड़ा नहीं समझ पाते। हम उसके लिए हम सोचते हैं कि यानी उसके तरफ ध्यान तक नहीं जाता। मेरे मोहतरम, हाँ, जब बीवी बच्चों की तारीफ करनी होती तो कहते हैं कि मेरी बीवी तो ऐसी है, वैसी है, 5 वक्त नमाज पढ़ती है, वैसी दुनिया में कोई बीवी नहीं। यानी कुछ लोग होते हैं अपनी बीवियों की तारीफ करते हैं। अगर बीवी की बच्चों की तारीफ में अपने जुबान को हिलाया, वही तारीफ अपने रब की और अपने महबूब की किया होता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बदले में नेकी अता फरमाता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मगर हमें फुर्सत नहीं तो हम और आप ये तहैया करें कि हम अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे। ये अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी दौलत है। मौलाना रूम अले रहमा अपने किताब मसनवी शरीफ में फरमाते हैं कि ऐ वो शख्स जो अपनी बीवी बच्चों को खुश रखने के फिक्र में और सबसे बड़े मोहसिन परवरदिगार की फिक्र को छोड़ दिया। मेरे मोहतरम, आज हमारे दिल ऐसे सख्त हो गए हैं कि हमें अल्लाह का जिक्र मामूली सा लगता है, हालांकि अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी दौलत है। हमें तिजारत से मोहब्बत है, हमें तिजारत में जो फायदा हुआ उससे मोहब्बत है, वो हमें बड़ा मालूम होता है, और दुनिया की हर वो चीज़ बड़ी मालूम होती है। अगर हमें बड़ा नहीं मालूम होता है तो वो है अल्लाह का जिक्र, क्योंकि हमने जिंदगी में अल्लाह के जिक्र की गर्दानी नहीं की, अल्लाह को याद नहीं किया। इसलिए अगर जिसने इस अल्लाह को याद किया और अपने जिक्र से जबान को तरोताज़ा रखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे बे इंतहा मोहब्बत और प्यार करता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप हजरात भी इसके मुतालिक अपनी जिंदगी में बदलाव लाएं, अपनी जबान को हर वक्त तरोताज़ा रखें, इसलिए कि ये जबान जितना हम दुनिया में रह करके अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे, जब मौत आएगी तो इस वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नाम का विर्द उस बंदे के जुबान पर जारी करा देगा। यानी मौत के वक्त ऐसे लोगों को जो दुनिया में कसीर तादाद में अल्लाह का जिक्र करता है उसे कलमा नसीब फरमा देगा। इसलिए वो किसकी बरकत है? दुनिया में अल्लाह का जिक्र करने की बरकत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह फरमाता है, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, उन्होंने फरमाया कि मैं उस वक्त को जानता हूं जब अल्लाह मुझे याद करता है। लोगों ने कहा कि आपको कैसे मालूम कि कब आपको अल्लाह याद करता है? भाई, कोई खबर आई आपके पास, कोई मैसेज आया आपके पास, या आप जान गए कि अल्लाह आपसे बात है, आपको याद करता है? कहा कि अरे बेवकूफ, ना तुमने कुरान के अंदर नहीं पढ़ा, फज़कुरुनी अज़कुरुकुम वश्कुरुली वला तकफुरून, कि तुम मेरा शुक्र, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूं, तुम मेरा तो जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। मेरे मोहतरम, अब लोगों ने कहा कि हाँ, आपने सही कहा, ऐसे मोमिन जो कि अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह भी उनको याद फरमाता है। इतना नहीं कहा, बल्कि आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि तुम मेरे तरफ
एक बालिश्त आओ, मैं तुम्हारे तरफ एक हाथ आऊंगा। यानी अल्लाह को याद करो, अल्लाह के हर प्रोग्राम जो होता है उसमें शरीक हो नेक नियति के साथ। यानी अल्लाह को एक बालिश्त आओगे, अल्लाह एक हाथ जाएगा। और इतना ही नहीं, आगे फरमाता है तुम एक हाथ आओगे, अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे पास एक एक गज आऊंगा। इतना ही पर नहीं रुका, बल्कि आगे फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम मेरे तरफ चल कर आओगे, मेरे तरफ यानी मस्जिद में। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये इधर उधर की बात मत कीजिए, बल्कि हर चीज अल्लाह किधर जाएगा, जब आप मस्जिद की तरफ बढ़ोगे, एक गज बढ़ोगे, अल्लाह भी आपके करीब होना चाहेगा, दौड़ के आएगा। ये कहता है अल्लाह अपने बंदे के लिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कितना अल्लाह अपने नेक बंदों से मोहब्बत करता है, नेक बंदों से काफी मोहब्बत करता है। जब कोई मजलिस लगती है ऐसे मैदानों के अंदर, मेरे मोहतरम अल्लाह के फरिश्ते आते हैं और अल्लाह कहता है कि जाओ देखो दुनिया में कौन क्या कर रहा है, कैसे लोगों कर रहे हैं। जब अल्लाह के फरिश्ते आते हैं और ऐसी मजलिसें होती हैं, तो वो फरिश्ते यहां से जाने के बाद अपने रब से कहते हैं कि ए अल्लाह, मैं दुनिया में गया था, एक मजलिस मिली और उस मजलिस में तेरा और तेरे महबूब का ही सिर्फ नाम लिया जा रहा था। मेरे मोहतरम, तो अल्लाह क्या पूछता है फरिश्तों से कि क्या उन लोगों ने मुझे देखा? फरिश्ते कहते कि ये अल्लाह, उन लोगों ने आपको नहीं देखा, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाई हुई शरीयत की वजह से, कुरान और हदीस की वजह से उस पर उन्होंने अमल किया। मेरे मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को वहां तमामी फरिश्तों को गवाह बनाता है और कहता है कि ऐ फरिश्तों, तुम गवाह रहना, वहां बैठने वालों और वहां जिक्र करने वालों और वहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनने वालों और बयान करने वालों की मैंने मगफिरत कर दी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह की जब ऐसी मजलिस रहत लगती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अब इस ऐसे बंदों से बहुत खुश होते हैं। हक्कानी दरूद शरीफ। तो अल्लाह जिक्र करने वालों को बहुत पसंद करता है, जैसा कि कुरान में फरमाया फस्कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, और नाफरमानी ना करना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे को कह रहा। तो हम लोग आज ये तहिया करें कि हम अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे और अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे इस कुरान के आयत के मुताबिक। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये बहुत हल्का सौदा है, हमें कुछ दिन तो भारी मालूम होगा, जबान नहीं चलेगी, इसलिए कि मजलिसे सू में बैठ करके हम उल्टी सीधी बातें करते, लोगों की शिकवा शिकायत वाली बातें करते और
हसद बोक्स कीने वाली बात करते, एक दूसरे एक मोमिन दूसरे मोमिन के साथ हसद वाली बात करता। इससे हम आज तौबा करके यहाँ से उठेंगे कि हम अब किसी से हसद नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन सब बलाओं से दूर फरमाए। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अगर ये ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी हम लोग अगर बना लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे इबादत करने वाले को बहुत पसंद फरमाएगा। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, जानते हैं हम और आप अगर रात को तबीयत घबराती है, दिन में तबीयत घबराता है, तो हम उठते हैं वहाँ से निकलकर दरवाज़ों की तलाश में निकल जाते हैं कि कहीं चलो यार दिल बहल जाए और कुछ बात हो इधर उधर की, ताकि ये घबराहट तो दूर हो जाए। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबी बड़े मशहूर हैं मेरे मोहतरम। एक का नाम हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरे का नाम हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। मेरे मोहतरम ईशा की नमाज पढ़ करके दोनों हजरात अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद घर गए, खाना उना खा लिया, खाने के बाद वो जा कर के अपने आराम गाह में आराम करने लगे। किसी वजह से नींद नहीं आई, नींद बेचैन हो गए। कभी ऐसा होता है कि नींद नहीं आई, थोड़ा आया फिर उसके बाद आंख खुल गई। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सोचा कि जब नींद नहीं आ रही है तो चलो चलते हैं मस्जिद नबवी में, चलकर अल्लाह का जिक्र करेंगे और अल्लाह को याद करेंगे। कम से कम जब हमें नींद नहीं आ रही है तो अगर हम अल्लाह के जिक्र में लग जाएंगे और शुक्राना नफिल पढ़ लेंगे, अल्लाह हमें ईमान से नवाजेगा, हमारे उसमें बरकत करेगा। मेरे मोहतरम हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद में पहुंच जाते हैं। रात का अंधेरा है, उस वक्त ये इतनी जगमगाहट नहीं हुआ करती। मस्जिदों में बत्तियां जलती, चिराग या कंगूरे जला करते हैं। मेरे मोहतरम अब वो बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो गए, चिराग नहीं जलाई, जाकर कोने में बैठ गए और नफिल पढ़ने लगे मेरे मोहतरम, और नफिल के बाद बैठकर दुआओं में मशगूल हो गए। कुछ देर के बाद हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हो पहुंच जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ही अकेला हूं। वो मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल होते हैं, क्योंकि अंधेरा था, कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए कोने दूसरे कोने में वो जाकर बैठ जाते हैं और नफिल की नियत बांधते हैं। नफिल से फरागत के बाद अपने रब के जिक्र में लग जाते हैं, जिक्र करने लगते हैं और अपने रब से दुआओं में मशगूल हो जाते हैं। क्योंकि रात का अंधेरा है, अल्लाह का नेक बंदा अपने रब के सामने गिड़गिड़ा रहा, तो हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी को ये एहसास हुआ कि शायद कोई इस मस्जिद में है, हमसे भी आगे बाजी ले गया। अब वो ठूट पहुँचते हैं उस कोने में, क्या देखते हैं कि हजरत बिलाल वहाँ पहले से मौजूद हैं, सजदे में हैं। मेरे मोहतरम अब वो जब नींद जब सजदे से फारिग होते हैं, नमाज से फारिग होते हैं, कहते हैं कि ऐ बिलाल आप यहाँ कैसे,
उन्होंने फरमाया, जिस गर्ज के लिए आप आए हैं मैं भी आया हूँ। मेरे मोहतरम बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सोचा कि ऐसे ही करवटें बदलने से कोई फायदा नहीं, चलो मस्जिद में चलते हैं, अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह के नमाज नवाफिल में कुछ वक्त गुजार देंगे, इसलिए मैं यहाँ चलाया। मेरे मोहतरम हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये तो मामला मेरे साथ भी, यही मामला मेरे साथ भी है और मैं इसी गर्ज से आया हूँ। अब हजरते बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ए अबू ज़र, दोनों के मकसद एक हैं, दोनों के मकसद एक हैं, तुम भी अल्लाह को राजी करने के लिए आए हो, तुम्हें नींद नहीं आ रही थी, अल्लाह के जिक्र के लिए मस्जिद नबवी में आए हो और मैं भी उसी गर्ज से आया हूं, चलो मैं दुआ करूंगा, आप आमीन कहोगे, क्योंकि जानते हैं जब कोई दुआ करता है और बैठे हुए लोग उनके साथ ही जब आमीन कहते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उनकी दुआ को कबूल फरमाता है उस आमीन के बदले। मेरे मोहतरम अब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने दुआ करनी शुरू कर दी, अब वो दुआ कर रहे हैं, पीछे से हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो आमीन आमीन कह रहे हैं। जब उनका नंबर ख़त्म हो जाता है तो हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दुआएं करनी शुरू कर दी। बीच में ऐसा जुमला कहा जिस पर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने आमीन नहीं कहा। हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने सोचा कि शायद ये हमारी आवाज को नहीं सुन पाए, इसीलिए फिर उन्होंने वही जुमला दोहराया। मेरे मोहतरम फिर भी हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने आमीन नहीं कहा। उसी दरमियान हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अमन्त या बिलाल, ऐ बिलाल तूने आमीन क्यों नहीं कहा, मैं दो दो बार उस जुमले को कहा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आंखों से आंसू जारी हैं और वो कहते हैं कि ऐ अबू ज़र, तूने ऐसी दुआ मांगी जो कि जो मुकाम हमारे नबी को मिलने वाला है उस मुकाम को तूने मांगा, तुम्हारी और हमारी क्या हैसियत है कि हम उस मुकाम को मांगे जो हमारे नबी को मिलने वाला है। आपस में दोनों में गुफ्तगू हो रही है दोनों। जब ये बात हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने सुना तो उन्होंने कहा कि हाँ बिलाल, तुम ठीक कह रहे हो, हमसे गलती हो गई। इतने में थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि मस्जिद नबवी के गेट पे थोड़ा सा उजाला हुआ, उसके बाद वो रोशनी बढ़ गई। क्या देखते हैं दोनों हजरात कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। उन्होंने पूछा, सलाम दुआ हुई, भाई आप लोग हमें सोने नहीं दिया। अब हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो और रोने लगे कि हमारी वजह से हमारे नबी को तकलीफ हुई, नींद से बेदार होकर मस्जिद नबवी में हम लोगों की वजह से आना हुआ, इसलिए हम माजरत चाहते हैं और जारो कतार रो रहे हैं और हमारे
नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट है। उन्होंने कहा कि हाँ, अबू जर ने क्या कहा? उन्होंने वही जुमला दोहराया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाल ने तो ये चीज मांगी जो कि नबी को मिलने वाला है, और हमारी और आपकी क्या बेसाह कि हम नबी के मकाम तक पहुंच पाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा हर उम्मती उस मकाम को पहुंचेगा जो बिलाल ने दुआओं में मांगा है मेरे मोहतरम, अगर वो ऐसा अमल करेगा। तो हम और आप भी अल्लाह को, अल्लाह का जिक्र करें। अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी दौलत है मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। आज हम अल्लाह को, ये जिक्र को मामूली शुमार करते हैं, हालांकि अल्लाह ने बहुत मर्तबा दिया जिक्र को। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अगर एक बार अल्लाह का बंदा सुबहान अल्लाह कहे, एक बार अल्लाह का बंदा सुबहान अल्लाह कह दे, मीजान का आधा आधा तराजू भर जाएगा मेरे मोहतरम, आधा मीजान भर जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह कह दे पूरा भर जाएगा। जैसा कि मुर्शिद ने अपने वजीफे में इसको रखा, इसीलिए रखा कि आप 5 वक्त नमाज पढ़ोगे और नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ोगे, और इस वजीफे में ये कलमा रखे गए, ये कलमात रखे गए, और उस कलमात को पढ़ करके अपने मीजान को भर लो। अल्लाह ने अपने मोमिन बंदे के लिए ये तमाम किस्म की सहूलतें अता फरमाई, मगर हम और आप इससे बिल्कुल दूर हैं, नहीं पढ़ पाते मेरे मोहतरम। इसलिए हमें पढ़ना ही पड़ेगा मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी दौलत है, जैसा कि कुरान ने इरशाद फरमाया वलज़िक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी दौलत है मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। तो हम और आप अल्लाह का जिक्र खुलूस के साथ करें, दिखावे वाला नहीं मेरे मोहतरम। हम कुछ लोग होते हैं कि नमाज भी पढ़ते हैं माशा अल्लाह, वजीफा भी पढ़ते हैं, हर चीज करते हैं, मगर हमारे कुलूब में, हमारे कल्ब में दिखावे वाली बात होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जानते हैं ऐसे लोगों को, यानी कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है कि मैं सबसे बड़ा आलिम बन जाऊं, मैं सबसे बड़ा कारी बन जाऊं, सबसे बड़ा हाफिज़े कुरान जो कि एक भी हरफ ना भूल पाऊं, और सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाऊं, नमाज तहज्जुद इसरा अवाबीन हर चीज पढ़ने वाला बन जाऊं। लोग हमें नमाजी कहने लगेंगे, लोग हमें हाजी कहने लगेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह फरमाएगा उस दिन दुनिया में जब वो हाजी कहला के चला जाएगा, अरे मेरे मोहतरम, जब अल्लाह के घर का दीदार कर दिया तो हाजी तो हो ही गए। अगर कोई कह रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई नहीं कह रहा है फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। हमें कोई वो नहीं होना चाहिए कि भाई फला हमें हाजी नहीं कहा, फला साहब ने हमारा नाम लिया, उनकी ये भी साथ कि हाजी नहीं कहा, सिर्फ मेरा नाम ले लिया। नहीं मेरे मोहतरम, हाजी वाला मर्तबा खुद ब खुद आपको लोग हाजी कहना शुरू कर देंगे, खुद ब खुद अगर आप नमाजें पढ़ी, लिल्लाहियत के साथ पढ़ा, इखलास के साथ पढ़ा, वो नमाज अल्लाह को पसंद आएगा। अगर इसलिए पढ़ा कि लोग मुझे तहज्जुद गुजार कहें, लोग मुझे नमाजी कहें, लोग कहें कि भाई बहुत इबादत गुजार है, अल्लाह ताला दुनिया में हाफिज कहलवा देगा, कारी कहलवा देगा, बड़ा आलिम कहलवा देगा,
मगर हमारे इनमें खुलूस नहीं होगा। तो जब हम मर कर जाएंगे तो अल्लाह यही कहेगा कि तूने नमाज इसीलिए पढ़ी कि लोग तुझे नमाजी कहें, तो दुनिया में मैंने तुम्हें नमाजी कहला दिया। तूने हज इसलिए किया कि लोग तुझे हाजी कहें, दुनिया में मैंने तुझे हाजी कहला दिया। लोग कहें, फिर फरमाएगा अल्लाह ताला, तूने इस नियत से नमाज पढ़ी तहज्जुद इशराक अवाबीन और हाथों में तस्बीह हाथ लेकर चला। मेरे मोहतरम, अल्लाह फरमाएगा मैंने सबको ये कह दिया कि भाई ये नमाजी, अब तुम्हारा अज्र पूरा हो गया, अब तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। सबसे बड़ी चीज है हमारे इबादत के अंदर, वो है इखलास, वो है खुलूस। अगर हम इखलास के साथ अपनी नमाज को अदा करेंगे और खौफे खुदा के साथ, जैसा कि मुर्शिद आप हमारा और आपका ये कहता है कि पांच वक्त नमाज, हलाल रोजी, जितना हो सके तकवा और परहेजगारी, और नमाज बगैर कजा के। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तकवे का जो लफ्ज लाया, ये डराने के लिए लाया है कि हम और आप अल्लाह के आमाल में जो हम अपना आमाल सुधारें वो खौफे खुदा वाली हो। खौफे खुदा के साथ नमाज जो पढ़ी गई अल्लाह को बहुत पसंद है, इसलिए कि जो डरता है अल्लाह उससे बहुत खुश हुआ। उसी डर के जो डर से जो आंसू निकले अल्लाह के बंदे से, बंदे की आंखों से, मेरे मोहतरम, वो अपने रब से दुआएं मांग रहा और ये डर रहा, कह रहा है कि ए मेरे परवरदिगार, पता नहीं मेरी नमाज ऐसी है, पता नहीं तू कबूल करेगा कि नहीं, अब इससे बेहतर मैं नमाज नहीं पढ़ने वाला। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद है। अल्लाह ये फरमाता है कि देखो मेरा बंदा मुझसे कितना डर रहा, इबादत भी किया और डर भी रहा। मेरे मोहतरम, ऐसी इबादत को अल्लाह बहुत कबूल फरमाएगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम और आप अपनी इबादत को जिंदगी का हिस्सा बनाएं। ये नहीं कि नमाज पढ़ी फिर छोड़ दिया, मनचाही नमाज नहीं पढ़नी है, बल्कि हमें वो नमाज पढ़नी है जो अल्लाह चाहे। अल्लाह कहता है पांच वक्त की नमाज है, आप उसमें लगे रहो, हमें वो पांच वक्त की चाहिए। इसलिए कि मोमिन बंदा पांच वक्त की नमाज पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बदले में उसको ढेर सारे इनामात से नवाजते हैं। बारी ताला ने कुरान करीम में जिक्र करने वालों की तारीफ फरमाई, क्या फरमाया, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم, फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत कि वो लोग अल्लाह को उठते, बैठते, लेटते, यानी जिस हालत में होते हैं, पाकी की हालत में, अगर अपने अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद है। जैसा कि कुरान में बयान फरमाया, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो हम भी इस चीज को अपनी जिंदगी में लाएं ताकि आने वाले वक्त में जो जिंदगी गुजर गई उस पिछली जिंदगी पर हम तौबा करें कि जो हमसे गलतियां हुई, जो खताएं हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ़ फरमाए, और जो जिंदगी आने वाली है वो अल्लाह से दुआ करें कि ए अल्लाह इसमें हमें अपने जिक्र की तौफीक अता फरमा दे।
मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर ऐसा हुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत कामयाबियों के साथ उसको इस दुनिया से उठाएगा। जैसा कि शुरू में मैंने कहा कि जब जितना ज़्यादा जिक्र करोगे मौत के वक्त अल्लाह कलमा नसीब फरमा देगा। यही चीज़ मुर्शिद ने आपको दिया वजीफे के अंदर, और वो वजीफा हर वक्त पढ़ते रहिए। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत दूसरी जगह कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात वअद्द लहुम मग़फिरतन वअजरन अज़ीमा। अल्लाह फरमाता है कि जिक्र करने वाले मर्दों या जिक्र करने वाली औरतें अल्लाह के अल्लाह ने उनके लिए बड़ी नेमत तैयार की है। जिसने अल्लाह का जिक्र किया, मर्द हो या औरत हो, वो अल्लाह का जिक्र करे। ये औरत ये ना समझे कि मुझे नहीं करना है, मुझे नमाज नहीं पढ़नी है, मुझे तो घर का काम से फुर्सत नहीं, मैं कहाँ से नमाज पढ़ूँ। मेरे मोहतरम, ये कहने से जान नहीं बचने वाली, बल्कि जब कल कयामत कायम होगी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों के जरिए सवाल कराएगा कि तूने नमाज पढ़ी, सबसे पहले जो पूछ होगी नमाज की होगी। मेरे मोहतरम, अगर वो कहेगी कि नहीं मुझे फुर्सत नहीं थी, मैंने तो अपने बाल बच्चों के उसमें साफ सफाई में लगी रही, मुझे फुर्सत कहाँ। जानते हैं अल्लाह ताला जब पहले ही सवाल के जवाब में इनकार आ जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जहन्नम में डाल देंगे। ये कह के नहीं बचेगी कि मेरा शौहर मुझे फुर्सत नहीं दे रहा था, उसके तमाम काम थे इसलिए मुझे वक्त नहीं मिला, मैं कहां से नमाज पढ़ूं। नहीं मेरे मोहतरम, हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, जानते हैं ये फिरौन की बीवी, फिरौन नहायत ही सख्त और उनकी बीवी आसिया मोमिना हैं। उनकी कोई भी कभी भी इबादत नहीं छोड़ती थी। जानते हैं फिरौन वो उनसे भी उनको भी बड़ा सताता था मेरे मोहतरम, मगर वो अपने शौहर की खिदमत करते करते और अपने रब को राजी करते करते इस दुनिया से गए हैं। अगर हम इस दुनिया में आए हैं, अगर ये कह के चले जाएंगे कि मेरा शौहर फुर्सत नहीं दे रहा था इसलिए मैंने नमाज नहीं पढ़ी, तो कल कयामत में सूरज सवा नेजे पे आ जाएगा और नफसी नफसी का आलम होगा, उस वक्त बहुत खतरनाक मंजर होगा। तो हम और ये मेरी माँ और बहनों, अल्लाह का जिक्र करो और नमाज की पाबंदी करो, जैसा कि आपका मुर्शिद फरमाता है। अगर नमाज पढ़ लिया, अपनी जिंदगी को बना ली, कल कयामत में आपके लिए अल्लाह बेहतरीन अजर अता फरमाएगा, उसके बदले में जन्नत अता फरमाएगा। और शौहर की नाफरमानी ना करना, शौहर की नाफरमानी ना करना। अगर शौहर कोई चीज गरीब है मेरे मोहतरम, तो शिकवा और शिकायत ना करना कि मेरा शौहर मुझे क्या देता है, कुछ नहीं दिया, जब से शादी करके आई हूँ हमें तो कुछ मिला ही नहीं। मेरे मोहतरम, इन सब बातों से बचना है, इसलिए कि कल कयामत में अल्लाह आपसे भी पूछेगा कि तूने अपने शौहर की खिदमत की कि नहीं। जानते हैं नेक औरत किसे कहते हैं? जो अपने शौहर की खिदमत करे वही नेक कहलाएगी। अपने शौहर को जलील करके, अपने शौहर को रुस्वा जिल्लत व खारी से रुस्वा करके अगर वो कितना हूँ इबादत कर ले, उसकी इबादत मकबूल नहीं होगी।
तो मेरे मोहतरम, मैं अपने माँ बहनों से ये कहना चाहूँगा कि शौहर की खिदमत कर ले, जन्नत पा जाएगी। शौहर की खिदमत कर ले, वो आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत से नवाज देगा। मेरे मोहतरम, शौहर की तारीफ कर ले मेरे मोहतरम, उसकी शिकवा और शिकायत ना करना। हक्कानी दरूद शरीफ। तो जिक्र की बड़ी फजीलत है मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम भी जिक्र करके अपने आमाल को सुधार लें। कोई वक्त नहीं लगेगा और आपका वक्त जाए भी नहीं होगा, इसलिए कि आप काम करते रहो, जबान अपनी काम करती रहेगी। आप काम करते रहो, जबान पर जिक्रुल्लाह चलता रहे, तो काम करने में भी दिल लगेगा। हम और आप मोबाइल चालू करके बेहतरीन किस्म का गाना लगा करके अब हम हजरात अपने काम को करने लगते हैं। काम करते हैं, मोबाइल अपना काम कर रहा है। काश वही मोबाइल बंद करके हम अपने अल्लाह का जिक्र करते, तो अल्लाह उसके बदले में तमाम नेकियां हमें अता फरमाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस में है कि कयामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे चमकते होंगे। किसी को आपने देखा होगा नमाज पढ़ के निकलता है, माशाअल्लाह उसके 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 चेहरे पे एक नूरानियत होती है। उसी को बयान फरमा रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे चमकते होंगे और चांद से कहीं ज्यादा मुनव्वर होंगे। चांद भी उनके मुकाबले में हल्का होगा, एक खास मुकाम होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, न वो अंबिया होंगे न वो शोहदा होंगे, क्योंकि दो की बड़ी फजीलत है अल्लाह के नज़दीक। वो दोनों नहीं होंगे, न सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हों ने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन लोग होंगे, आप उनकी पहचान बतला दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऐसे लोग होंगे जो मुख्तलिफ खानदान से, मुख्तलिफ जगहों से महज अल्लाह के जिक्र के लिए यहां जमा हुए होंगे और उनका जमा होना सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होगा। तो आप हजरात भी मुख्तलिफ बस्तियों से आए हैं, मुख्तलिफ मकामात से आए हैं, कोई बिहार से आया है, कोई बंगाल से आया है, कोई यूपी से आया है, बहुत दूर दराज से चलकर आया है, नियत लेकर आया है मेरे मोहतरम की यहाँ बैठकर कुरान और हदीस की बातें सुननी है, तो ये भी अल्लाह का जिक्र है मेरे मोहतरम। कयामत के दिन बारी ताला जिक्र करने वालों को बड़े बड़े मकामात अता फरमाएंगे, जहाँ हर शख्स नफसी नफसी का आलम होगा। जब कयामत कायम होगी तो वहाँ नफसी नफसी का आलम होगा, सिर्फ हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मती के फिक्र में होंगे। तो नफसी का आलम होगा, तो वहाँ अल्लाह के जिक्र करने वाले, अल्लाह का नाम लेने वाले बड़े इत्मीनान के साथ अर्श-ए-इलाही के साए में होंगे।
देखा अल्लाह ने जिक्र करने वाले को कितना मकाम दिया कि जब मर कर जाएगा और जब मैदान हश्र कायम होगी और धूप कड़ाके की होगी, सूरज सवा लेने पे होगा, तो इस जिक्र करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला अर्श के साये के नीचे रखेगा। तो हम भी यहां जिक्र कर लें, कल मरने के बाद जब मौत आ जाएगी, जब हम वहां से उठकर जाएंगे, मैदान हश्र कायम होगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम नेमतों से नवाजेगा। इतना ही नहीं मेरे मोहतरम, मैदान हश्र की तो बात छोड़िए, जब मोमिन बंदा इस दुनिया से जाता है, फरिश्ते आते हैं कब्र के अंदर और सवाल करते हैं, मर रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है? दूसरा सवाल करते हैं, मा दीनों का, अगर वो अल्लाह का नेक बंदा है तो कहता है कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मा दीनों का, मन नबियों का। मेरे मोहतरम, ये तीनों सवाल होता है और उसका जवाब मोमिन बंदा दे देता है। अगर वो मोमिन बंदा जवाब नहीं दिया, अगर मुर्दा जो कब्र में है वो सवाल किए फरिश्ते और जवाब नहीं दिया, जवाब में सिर्फ ये कहा हाहा ला यदरी, यानी जब हम मर कर जाएंगे अगर हमारे आमाल अच्छे नहीं होंगे, अगर कब्र में डाले जाएंगे तो फरिश्ते सवाल करेंगे, तो उस बंदे की जुबान से सिर्फ यही निकलेगा हाहा ला अदरी, हमें कुछ मालूम नहीं, हमें कुछ मालूम नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब उस नेक बंदे को तो जन्नत की खिड़कियां खुल जाएंगी और उससे फरमाएंगे फरिश्ते कि सो जा, अब वो क़यामत तक के लिए सोया रहेगा। और जब जो गुनहगार बंदा होगा उसकी रूहें आसमान पर जाएंगी और वहां से फरिश्ते कहेंगे कि इसकी रूह से बदबू आ रही है। किस लिए बदबू आ रही है? इसलिए कि उसने दुनिया में रहकर अल्लाह को राजी नहीं किया, अल्लाह को राजी नहीं किया। और अल्लाह राजी उस वक्त होगा जब हम नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, रोजा रखेंगे, जकात देंगे, हज करेंगे। मेरे मोहतरम, किसी पे हज फर्ज हो जाता है मेरे मोहतरम, अब वो सोचता है कि हम अपने लड़कों की शादी कर लेंगे उसके बाद चलेंगे। नहीं मेरे मोहतरम, शादी और हज से कोई मुताबिकत नहीं। अल्लाह ने आपको साहबे निसाब कर दिया, आप ज़कात के मुस्तहक हो गए, अल्लाह ने आपको माल दिया, ज़कात फ़र्ज हुई, आपको निकलना है। इसलिए कि अगर साहबे निसाब हुए, साहबे माल हुए और हज नहीं किया और उससे पहले फरिश्ते ने रूहें निकाल ली, अब हम अल्लाह के पास जाएंगे और जब सवाल करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत कि भाई तुम्हें तो अल्लाह ने दिया, माल दिया, ज़कात हज क्यों नहीं किया? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब उसको सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं रहेगा। इसलिए कोई भी चीज़ हो, जब हम और आप अल्लाह ने जब फ़र्ज किया है तो फौरन निकल जाएं मेरे मोहतरम, इसलिए कि मौत का कोई ठीक नहीं, असर पढ़ी पता नहीं मगरिब पढ़ पाएंगे कि नहीं, मगरिब पढ़ी इशा पढ़ पाएंगे कि नहीं, और इशा पढ़कर सोया और मुर्दे वाली दुआ पढ़ी अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतो वाहिया, मेरे मोहतरम अब वो दुआ पढ़ी और पढ़कर सोया,
पता नहीं उठेगा कि नहीं, फरिश्ते आ जाएंगे उसी वक्त, रूह को निकाल कर लेके चले जाएंगे, अब उसका धरा पड़ा रह जाएगा। तो हम और आप ये तहैया कर लें कि हम कोई काम अब करना है तो अभी कर लें, और जो सोचेंगे कि चलो एक हफ्ते के बाद करना है तो आज कर लें, इसलिए कि ये दुनिया फानी है, फिना होने वाली है। पहले तो यहाँ की सब चीज़ फिना हो जाएगी, उसके बाद ये पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ते फिरते नज़र आएंगे। तो मेरे मोहतरम, बात दूसरे तरफ चल गई, तो हम अपने आमाल का मुहासबा करें, अपने कब्रस्तान को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाएं। कैसे वो बाग बनेगी? जब हम अल्लाह के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के मुताबिक अमल करेंगे, मेरा कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो बाग बाग नहीं रह जाएगा, वो जहन्नम का गड्ढा बन जाएगा, उसमें कीड़े मकोड़े होंगे मेरे मोहतरम, और वो कीड़े मकोड़े डसते फिरेंगे और कयामत तक वैसे ही मंजर चलता रहेगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम अपने जिंदगी का मुहासबा करते रहें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई है मस्जिद नबवी के अंदर। यही हदीस बयान करके मैं ख़त्म करूंगा। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई है और तमाम सहाबा, उस जमाने का ये मामूल था कि लोग अपने काम से फारिग होकर दरवाज़ों पे नहीं बैठते बल्कि फौरन मस्जिद नबवी का रुख करते, वहाँ जाकर हदीसें सुनते, उसको याद करते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक की तरफ देखते और जो बातें होती उसको सुनते मेरे मोहतरम, और अपने नबी के मजलिस में बैठा रहा करते। मजलिस बहुत बड़ी मजलिस थी, लाखों का मजलिमा था। मोहतरम हजरात, एक सहाबी जिनका नाम अब्दुल्ला है रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु बूढ़े हैं, अब वो उनके दिल में ये था कि काश मैं अपने नबी से कुछ गुफ्तगू कर लेता। मोहतरम हजरात, अभी वो सोच रहे थे बैठ करके, खड़े खड़े डंडे के सहारे थे क्योंकि बूढ़े थे मेरे मोहतरम, अब वो सोच रहे थे, इतने में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुबारक हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु पे पड़ी। हमारे नबी भांप गए कि अब्दुल्ला मिलना चाहता है हमसे। उन्होंने कहा कि अत्तरीक अत्तरीक, ऐ लोगों, बड़े मियां को रास्ता दे दो आने का। मजलिस ने रास्ता दे दिया बिल्कुल नबी के फरमान के मुताबिक, वो हट गए और वो सहाबी आहिस्ते आहिस्ते, चूंकि बूढ़े थे, आहिस्ते कदम से अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से मैं मुसलमान, तब से मेरी एक वक्त की नमाज कजा नहीं हुई,
मेरा कोई रोजा नहीं छूटा रमजानुल मुबारक का। और मैं हज भी किया। मेरे मोहतरम, अब वो तमाम अपनी गिनवाते गए, मगर मुझे आपसे एक बात करनी है कि आप मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि जो उसको करने के बाद मैं बिला हिसाबो किताब जन्नत में चला जाऊं, मुझे हिसाब किताब की जरूरत न पड़े, वरना पता नहीं मेरे आमाल उस लायक होंगे कि नहीं कि मैं अपने आमाल के जरिए जन्नत में चला जाऊं, पता नहीं मेरे आमाल हो जाएं। मोहतरम हजरात, अब वो सहाबी की इस बात को सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने चेहरे मुबारक को थोड़ी देर जमीन की तरफ किया और सर उठाया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, तू तहज्जुद पढ़ले, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत में बिला हिसाब व किताब दाखिल कर देगा। वो बूढ़े मियां भी बहुत चलाक थे, उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बूढ़ा हूं, रात के अंधेरे में मैं उठूंगा वजू का पानी लेने के लिए, हो सकता है कि मैं गिर जाऊं, मेरी इतनी ताकत नहीं कि मैं चलकर पानी ले आऊं, वजू करूं और उसके बाद तहज्जुद पढ़ूं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब वो उन्होंने फरमाया कि यह काम हमसे नहीं हो पाएगा बुढ़ापे की वजह से, इसलिए ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई दूसरा अमल बता दीजिए जो कि वो उसको करके मैं जन्नत में चला जाऊं। अब वो सहाबी की बात को सुनकर आज हम और आप उस मजलिस में होते तो कहते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलने से पहले ही ये कह देते कि अरे चलो हो गया, चलो जाइए। मगर वो मजलिस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस, मजलिस में सन्नाटा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी पूछ रहे हैं कि अल्लाह के रसूल, इसके अलावा कोई दूसरा अमल बता दीजिए जिसको कि मैं करके जन्नत में जाऊं, बिला हिसाब व किताब जन्नत में जाऊं, ये अमल हमसे नहीं होने वाला। इतना सुनने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक जमीन के तरफ हो गए। अब वो सोचने लगे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने फरमाया कि तुम जकात देते हो? उन्होंने कहा कि हाँ मैं जकात देता हूं। कहा कि तू अपने माल में से सदका निकाल दे, गरीबों को खिला, जो खाने का मुस्तहक हो उस नंगे को कपड़ा पहना दे और भूखों को खाना खिला दे, अल्लाह तबारक व ताला तुझे बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल करेगा। उन्होंने फरमाया कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किसी तरह ज़कात को अदा कर देता हूँ, मगर मेरे में इतनी कुव्वत नहीं कि मैं अब सदका करूँ। मेरे मोहतरम, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कोई हमें दूसरा अमल बता दीजिए।
आज हमारे ऊपर ज़कात फर्ज होते हैं, हम नहीं दे पाते, हमें उसकी फिक्र नहीं लगती, अज़ा होती है तड़प जाते हैं, मस्जिद का रुख कर लेते हैं। उसी तरह जैसे नमाज एक रुकन है, उसी तरह ज़कात भी एक रुकन है। मेरे मोहतरम, अब अगर ज़कात हमारे ऊपर फर्ज हुआ तो हमें हर हाल में देनी है, उस माल पर जो कि साल गुजर जाए और उस साल में और जितना वो उसका ज़कात निकलता है, अगर एक रुपया भी उसमें से कम दिया गया तो ज़कात अदा नहीं होगा। इसलिए हम और आप अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़कात भी दें उस माल से। वो सहाबी ने कहा कि मैं ज़कात भी देता हूँ। आज हमारी माँ और बहनें सोना गहना चांदी पहनी हुई हैं और 7.5 तोला तो क्या, कितने तोले उनके पास हैं, मगर वो ज़कात नहीं देती। कान खोल के सुन लें, अगर औरतें ज़कात नहीं देती तो शौहर उसका जिम्मेदार नहीं होगा। ज़कात की रकम अपने गहने की औरत मालिक है, वही देगी। अब वो कहेगी कि मैं कहाँ से दूंगी, तो उस गहने में से तोड़ कर देना होगा। शरीयत आपको तरीका भी बतलाती है कि आप ऐसे करें, अगर बगैर ज़कात दिए हुए हम इस दुनिया से चले गए, कल वही ज़कात वाली रकम कल क़यामत में सांप की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गले का हार बना देगा और लोग देखकर पहचान जाएंगे कि ये दुनिया में इसने ज़कात नहीं दी, और ज़कात नहीं दी इसलिए ये सांप बिच्छू सांप इसके गले में पड़ा हुआ है। तो हम और आप ज़कात के भी अरकान को मजबूती के साथ उस पर अमल करें और कैलकुलेट के साथ करें। ये नहीं कि चलो हो गया, अगर एक पैसा कम हुआ ज़कात अदा नहीं हुई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए आप उसका ख्याल रखें। अब वो सहाबी कहते हैं कि हमसे ज़कात नहीं दिया जाएगा, और क्या नाम है वो, हमसे सदका नहीं दिया जाएगा, मैं ज़कात किसी तरह दे देता हूँ। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर सुर्ख हुआ। उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर तवक्कुफ के साथ फरमाया कि ऐ सहाबी, तू अल्लाह का जिक्र कर ले, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल कर देगा। जब इतना सुनना था, उस सहाबी उठे हैं, अपने डंडे को संभाले हैं और लेकर चल दिए, और फिर अपने नबी से कुछ नहीं पूछा कि अब मुझे क्या करनी है, बल्कि उनको जवाब मिल गया। अब वो वहाँ से उठते हैं और चले जाते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम और आप भी अल्लाह का जिक्र करें और अल्लाह के जिक्र को मजबूती से पकड़ें। अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी दौलत है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नल क़ुलूब, कि दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है। कुरान फरमा रहा है, जब कुरान फरमा रहा है तो ये हक है, हम पढ़कर देखें, हमारे दिल मुतमईन होंगे और हमारी हर एक चीज अच्छी बनेगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए कि हम लोगों ने अपने रब का कहना माना। अल्लाह ने ये फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नल क़ुलूब, दिलों का
इत्मीनान तो अल्लाह के जिक्र में है। इसलिए अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो, सुकून हासिल हो जाएगा, तुम्हारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, कामयाबी की राह हमवार हो जाएगी। फिर जो चाहोगे मिलेगा, जो मांगोगे मिलेगा। अपने रब से तो हम मांग भी नहीं पाते। अल्लाह ने फरमाया है कि कुछ वक्त ऐसे होते हैं कि अल्लाह का जो बंदा मांगता है अल्लाह ताला उसको दे देता है। जब बारिश होती है बरसात में मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उस वक्त अल्लाह फरमाता है कि तुम मांगो मैं दूंगा, मगर हम नहीं मांग पाते क्योंकि हमें मांगने की जरूरत ही नहीं। और दूसरा मुकाम जो फरमाया जब नमाज से फरागत हो उसके बाद दुआ मांगो, वो भी मकबूलियत की घड़ी है। मेरे मोहतरम, आज हम और आप नमाज पढ़ के उठ के चले जाते हैं और कहते हैं कि ये है वो है। नहीं मेरे मोहतरम, उठ के जाने से कोई बात नहीं, चले जाओ। अगर कोई जरूरत हो तो जब मैंने नमाज पढ़ी और अपने रब से अपनी जिंदगी के लिए जब मांगना हुआ उठकर चल दिए और हमें उसकी फुर्सत, हमें उसकी जरूरत ही नहीं। नहीं मेरे मोहतरम, जरूरत है। आप मांगो, अल्लाह देगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने और सुनने से ज्यादा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रत मौलाना साहब कलकत्ता से यानी खानकाह शरीफ से तशरीफ़ लाए। मैं नाचीज जो कुछ बोला, अगर उसमें थोड़ा बहुत गलती हो गई हो आप उसको अपने दामने अफ में जगह दे दें और हज़रत मौलाना के बयान को आप समाप्त फरमाएं। दूर से आए हैं, बड़ी मुफीद नसीहतों से आपके सामने पेश हो रहे हैं। आप हजरात इनकी बातों को सुनिए और अच्छे तरीके पे अमल कीजिए। अल्लाह तबारक व ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।